पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त है तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का वे उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अभियान ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है। महाराष्ट्र स्टेट में अब ये सब कुछ हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि वहाँ अब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए काफी मांग जो पकड़ रही है। इसके अलावा पूरे देश में वह राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेसी शासित राज्य में तथा तेलंगाना स्टेट की सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने यहां खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का हर स्तर पर हो रहा शोषण तथा यहां भी बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व साथ ही गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का भी हो रहा उत्पीड़न आदि के विरुद्ध, अर्थात इन चारों राज्यों में इस वर्ष हो रहे विधानसभा आम चुनाव में इन जरूरी मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ यहाँ चुनाव में उतर रही है। इतना ही नहीं, बल्कि इन सभी मामलों में यहाँ की जनता को जागरूक बनाने एवं चुनावी तैयारी के लिए भी बीएसपी केंद्रीय यूनिट ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद को तथा इन चारों राज्यों के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम को भी मुख्य तौर पर लगाया हुआ है, जो मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ इसी महीने से इन सभी जरूरी मुद्दों को लेकर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए अपना चुनावी अभियान भी शुरू कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चारों राज्यों में पार्टी के लोग यहाँ इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनावों में पार्टी वे अपने हित में इनका जरूर लाभ लेंगे। मैं भी यहाँ विशेष तौर से ध्यान दूंगी। वैसे आप लोगों को मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले मैं तेलंगाना स्टेट में भी गई और वहाँ हैदराबाद में खास तौर से विधानसभा आम चुनाव को लेकर बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई, जिसमें कई लाख लोगों ने भाग भी लिया और वहां तो चुनाव अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। और अब मैं ये भी कहना चाहूंगी, खासकर यूपी व उत्तराखंड स्टेट में यहां बरसों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी जमीनों पर बनी है, इसका बीएसपी
इससे बीएसपी सहमत नहीं है और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मजारें सरकारी जमीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। बरसों से मजारे बनी हुई और अब यकायक उनको तोड़ने का प्लान बना दिया गया तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसमें हमें राजनीति ज्यादा नजर आती है और अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी के धार्मिक भावनाओं को या और उनके आस्था को ठेस पहुंचाया जाए तो मेरे ख्याल ये उचित नहीं है। साथ ही पिछले कुछ समय से देश में लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन आदि कराने को भी लेकर तथा इनकी आड़ में जो अब देश में धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है ये भी ठीक नहीं है। जनता, देश की जनता इनसे जरूर सावधान रहे। इसके अलावा यूपी में अब विशेषकर अपराधियों का भी जो आपस में तांडव चल रहा है तो इससे जनता में काफी दहशत व्याप्त है। सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। बीएसपी की ये सरकार को सलाह भी है। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।